नमस्कार। आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट कोड MR 202 बेसिक एयर कंडीशनिंग के चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। मैं धर्मेंद्र शर्मा, विभाग अध्यक्ष रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। सबसे जो पहला चैप्टर है बेसिक एयर कंडीशनिंग का, वो है इंट्रोडक्शन टू एयर कंडीशनिंग, यानी कि वातानुकूलन से परिचय। इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एयर कंडीशनिंग क्या होती है, एयर कंडीशनिंग क्यों की जाती है, और एयर कंडीशनिंग के जो सिस्टम्स हैं उनका क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एयर कंडीशनिंग क्या है। बेसिकली एयर कंडीशनिंग को रेफ्रिजरेशन की एक हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन कहा जाता है। रेफ्रिजरेशन यानी कि प्रशीतन में जो तापमान किसी भी बंद स्थान का रखा जाता है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा ऊपर होता है, जैसे कि घरेलू रेफ्रिजरेटर या कोल्ड स्टोरेज डीप फ्रीज़र। मगर एयर कंडीशनिंग के अंदर किसी भी बंद जगह का जो टेम्परेचर रखा जाता है वह टेम्परेचर सामान्यतः 16 से लेकर 27 डिग्री के मध्य के अंदर होता है, और किसी भी बंद जगह की वायु को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कंडीशन किया जाता है। अब यह जो उद्देश्य है, यह उद्देश्य उस जगह पर रहने वाले व्यक्तियों को आराम प्रदान करने का, या फिर किसी प्रोसेस या किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता को बढ़ाने का हो सकता है। कुछ सालों पहले तक यह माना जाता था कि एयर कंडीशनिंग एक विलासिता का साधारण, एक लग्जरी है, मगर कई रिसर्च हुई, उन रिसर्च के अंदर ये पाया गया कि जब कोई व्यक्ति किसी कंडीशनड स्पेस के अंदर, किसी कंडीशन एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है तो उस व्यक्ति की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसलिए आजकल एयर कंडीशनिंग एक आवश्यकता हो गई है, अब यह विलासिता नहीं रही है। इस तरह से हम यदि देखें कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो क्वालिटी भी कंडीशन एनवायरनमेंट के अंदर काम करने से ज़्यादा अच्छी आती है। उदाहरण के तौर पर प्रिंटिंग इंडस्ट्री को हम यदि लें, जहाँ पे कि पेपर प्रिंट हो रहा है या कोई बुक प्रिंट हो रही है, वहाँ पे यदि वातावरण में नमी, ह्यूमिडिटी का लेवल कम रखा जाए तो प्रिंटिंग की क्वालिटी अच्छी आती है। दूसरी तरफ जहाँ पे धागे का उत्पादन होता है या फिर कपड़ा उद्योग, जहाँ पे कपड़े बनते हैं, वहाँ पे वातावरण में यदि नमी की मात्रा ज़्यादा रखी जाए तो धागे की जो क्वालिटी है वो धागे की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आती है। दूसरा हम ये समझेंगे कि एयर कंडीशनिंग का भौतिक आधार क्या है। यह देखा गया है कि जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे अधिकतर लोग कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक महसूस करते हैं वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यह फैक्टर्स होते हैं कि उन्होंने कपड़े क्या पहने हुए हैं, वे क्या कार्य कर रहे हैं, और तीसरा वातावरण में नमी की मात्रा क्या है। यदि व्यक्ति सामान्य कार्य कर रहा है, लाइट एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कि ऑफिस में काम कर रहा है, बैठा हुआ पढ़ रहा है, और उसने लाइट क्लोथ पहन रखे हैं, नॉर्मल क्लोथिंग जो है वो पहन रखी है, तो सर्दी के मौसम के अंदर एक व्यक्ति जिस तापमान पर कंफर्ट का अनुभव करता है वह तापमान 18 से लेकर 23 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। मगर यदि गर्मी की हम बात करें, गर्मियों के मौसम की, तो गर्मियों के मौसम में वही व्यक्ति 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पे कंफर्टेबल फील करता है। तो आप देख रहे हैं कि सर्दी के मौसम के अंदर और गर्मी के मौसम के अंदर, दोनों के अंदर तापमान के अंदर यहाँ पे कुछ परिवर्तन हुआ है। गर्मी में स्लाइटली हायर टेम्परेचर जो है वो व्यक्तियों के द्वारा प्रेफर किया जाता है। अब इसका कारण क्या है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि सर्दी और गर्मी के अंदर जो कपड़े पहने जाते हैं उन कपड़ों के अंदर डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि आप देखें कि गर्मी के दिनों के अंदर लाइट क्लोथ, हल्के कपड़े पहने जाते हैं, और सर्दी के दिनों के अंदर वूलन्स पहने जाते हैं।
गर्म कपड़े पहने जाते हैं। तो जब आप गर्म कपड़े पहनेंगे तो आप थोड़ा सा कम टेम्परेचर प्रेफर करेंगे, इसलिए आप रेंज देख रहे हैं कि वहाँ पर रेंज है 18 से 23, और गर्मियों के अंदर जो रेंज है वो थोड़ी सी बड़ी हुई रेंज है, 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक कारण तो हो गया कपड़ों का, और दूसरा जो कारण है वो ये है कि शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो विंटर से समर में और समर से विंटर के अंदर अपने आप परिवर्तित होता है। यानी कि गर्मियों के मौसम के अंदर आपका जो शरीर है वो थोड़ा सा गर्मी को सहने का आदी हो जाता है, और सर्दियों के मौसम में जो शरीर है वो थोड़ा सा सर्दी को सहने का आदी हो जाता है। ये आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जो लोग गर्म प्रदेशों के अंदर रहते हैं वो सामान्यतः ज़्यादा गर्मी सहने के आदी हो जाते हैं, और जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वो कम टेम्परेचर के आदी हो जाते हैं। दूसरा, अब हम ये देखेंगे कि सामान्य आदमी जो है वो ये समझता है कि एयर कंडीशनिंग से मतलब है कि सिर्फ आप जो कमरे का तापमान है उस कमरे के तापमान को कंट्रोल कर लो तो वो एयर कंडीशनिंग हो गई। मगर हकीकत के अंदर एयर कंडीशनिंग सिर्फ तापमान को कंट्रोल करना नहीं है। ट्रू एयर कंडीशनिंग यानी कि असली वातानुकूलन तब कहलाएगा जब आप किसी भी बंद कमरे के अंदर 4 एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। अब ये 4 एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर, जो कि सब लोग जानते हैं कि टेम्परेचर हमारे को कमरे का कंट्रोल करना है। अब जो गर्मी का मौसम है उस गर्मी के मौसम के अंदर टेम्परेचर को कम किया जाता है यानी कि कूलिंग की जाती है, और जो सर्दियों का मौसम है उस सर्दियों के मौसम के अंदर कमरे के तापमान को बढ़ाया जाता है यानी कि हीटिंग की जाती है। दूसरा अब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि कंट्रोल करना है वो है वायु की नमी, उसकी ह्यूमिडिटी, उसकी आर्द्रता। गर्मी के मौसम के अंदर आप देखेंगे जैसे बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम के अंदर चिपचिपाहट लगती है यानी कि ह्यूमिडिटी वहाँ पे ज़्यादा है। तो गर्मी के मौसम के अंदर, बरसात के मौसम के अंदर हमारे को वायु के अंदर से नमी की मात्रा को कम करना पड़ेगा। यह जो प्रोसेस कहलाता है ये कहलाता है डीह्यूमिडिफिकेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं निरार्द्रीकरण। इसका उल्टा होता है सर्दियों के मौसम के अंदर। सर्दियों के मौसम में आप देखेंगे कि आपकी त्वचा जो है वो रूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे को कंफर्टेबल फील करने के लिए वातावरण में नमी की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा सर्दियों के मौसम में। तो वातावरण में नमी की मात्रा को बढ़ाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोला जाता है ह्यूमिडिफिकेशन। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एयर प्योरिटी यानी कि वायु की शुद्धता। आप ये महसूस करेंगे कि यदि कमरे का टेम्परेचर भी सही है, उसके अंदर वायु की नमी की मात्रा भी सही है, मगर वायु में किसी तरह की कोई गंध है, वायु अशुद्ध है, उसमें कोई धुआं है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो उसमें जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वो कंफर्ट का अनुभव नहीं करेंगे। तो तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें कंट्रोल करना है किसी भी एयर कंडीशन स्पेस के अंदर, वो है एयर की प्योरिटी, एयर की शुद्धता। एयर में किसी भी तरह की कोई स्मेल ना हो, उसके अंदर ऑक्सीजन का पर्याप्त लेवल हो, उसमें गंध कोई भी ना हो, तो एयर प्योरिटी जो है वो हमारे को कमरे के अंदर कंट्रोल करनी है, एयर को फिल्टर करना है। चौथा पॉइंट, एयर मूवमेंट यानी कि वायु की गति। तीनों चीज़ें सही है, एयर प्योरिटी भी है, ह्यूमिडिटी भी सही है, मगर टेम्परेचर भी है। मगर यदि एयर का मूवमेंट नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि वायु की गति शून्य है, तो आप ये महसूस करेंगे कि वहाँ पे गर्मी का अनुभव हो रहा है। और इसके उल्टे अंदर आप देखें यदि वायु की गति बहुत तेज है तो भी आप कंफर्ट का अनुभव नहीं करेंगे। तो एक ऑप्टिमम वेलोसिटी, एक निश्चित गति जो है वायु की, ये कमरे के अंदर मेंटेन करना ज़रूरी है। तो इससे हम ये सीखते हैं कि असली एयर कंडीशनिंग, ट्रू एयर कंडीशनिंग वो है जहाँ की किसी भी कमरे के अंदर हम 4 एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ये कंडीशंस हैं टेम्परेचर यानी कि कमरे का तापमान, उस कमरे में विद्यमान वायु की नमी, उस कमरे में विद्यमान वायु की शुद्धता यानी कि प्योरिटी, और चौथा एयर का मूवमेंट, वहाँ पर वायु की गति। तो चारों के यदि हम कंफर्ट कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर हम ह्यूमन कंफर्ट को उसके अंदर प्रोवाइड
करवा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स को क्लासिफिकेशन यानी कि उनका जो वर्गीकरण है यह वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। तो उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके हैं जिन तरीकों से हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।